वर्ष 1949 हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षों की श्रेणी में रहा। जहां एक तरफ हमारे संविधान का गठन हुआ, वहीं दूसरी ओर बिहार के सुदूर इलाके में एजुकेशन के कुटुंब की शुरुआत हुई। एक प्रिंसिपल, चार प्रोफेसर, उसके साथ ही 60 बच्चों के साथ बंद कमरे में चाय की चर्चा पर शुरू हुआ ये शुरुआत आज झारखंड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन हब बन चुका है। 1950 में इस कैंपस को सिंदरी शिफ्ट कर दिया गया। धनबाद से लगभग 26 किलोमीटर दूर BIT सिंदरी की स्थापना टेक्नोलॉजी और उसके साथ इंडस्ट्री में मैन पावर के सप्लाई करने के उद्देश्य से किया गया था। हमारा गंतव्य है आज BIT सिंदरी और उद्देश्य है इसके हर पहलुओं को हम आपके सामने लेकर आए। वक्त नहीं गवाएंगे, निकल चलते हैं इस यात्रा पर। झारखंड की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के बीच स्थित BIT सिंदरी आज शैक्षणिक परिदृश्य के एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में खड़ा है। वर्ष 1949 में पटना में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत के पश्चात BIT सिंदरी ने 17 नवंबर 1950 को अपने परिसर को सिंदरी में स्थानांतरित कर दिया और फिर शुरुआत हुई शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय यात्रा की। एक प्रिंसिपल, 3 प्रोफेसर और मात्र 60 स्नातक छात्रों की मौजूदगी में शुरू हुआ यह संस्थान आज भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में विकसित हो चुका है, जिसने अनगिनत भविष्यों को आकार दिया है। अपने शुरुआती दिनों से ही BIT सिंदरी तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर DL देशपांडे, जिन्हें संस्थान का वास्तुकार माना जाता है, उनके कुशल नेतृत्व में तेजी से ज्ञान प्रसार और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ने लगा। संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य हमेशा कुशल तकनीकी जनशक्ति के एक समूह का विकास करना रहा है, जो देश की प्रगति में योगदान दे और वैश्विक मानकों के अनुरूप अनुसंधान का नेतृत्व कर सके। इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू और साथ ही साथ उनके सहयोगी अनुग्रह नारायण सिंह, उनका एक विजन था कि बिहार आज़ादी के उपरांत जो है समृद्ध कैसे होगा और देश के विकास में इसकी भूमिका क्या होगी। उत्तर बिहार जो है एग्रीकल्चर के लिए मशहूर था, उस दिशा में जो है वहाँ पे जो है मिनरल्स का अभाव था, इंडस्ट्री का अभाव था। जहाँ पे मिनरल्स थी, माइंस था, या भविष्य में जो है इंडस्ट्री की स्थापना होने वाली थी, वहाँ पे जो है वैसे इंस्टीट्यूट का, वैसे कॉलेज का अभाव था जहाँ से हम एक अच्छे टेक्नोक्रेट को जो है उपलब्ध करा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है BIT सिंदरी की स्थापना हुई थी। शैक्षणिक संस्थान के रूप में BIT सिंदरी की भूमिका झारखंड की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व पटल तक फैली हुई है। देश भर से नवोन्वेषी युवा को बढ़ावा देने के साथ यह संस्थान समृद्ध संस्कृति, विचार और दृष्टिकोण के मिश्रण के रूप में विकसित हुआ है। प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न कोने से छात्र ज्ञान अर्जन और व्यक्तित्व विकास की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए BIT सिंदरी में एकत्रित होते हैं। संस्थान का समावेशी माहौल विचारों के आदान प्रदान, अंतर सांस्कृतिक वार्तालाप और सहयोगात्मक शिक्षा के लिए एक सुरक्षित कुटुंब प्रदान करता है। संस्था 1949 की है और आज के समय तक, कुछ दिनों पहले तक, यह एकमात्र राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। शुरू शुरू में यहाँ सिर्फ UG प्रोग्राम चलते थे, लेकिन आज के समय में UG और PG दोनों प्रोग्राम चलते हैं। झारखंड के शैक्षणिक परिदृश्य में BIT सिंदरी के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। यहाँ छात्रों को सीखने हेतु उच्च स्तर का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में यहाँ इंजीनियरिंग के 10 विषयों, नामतः मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, भूधात्विकी, उत्पादन, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, सिविल, खनन, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी में BTech पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BIT सिंदरी का सबसे पुराना, सबसे महत्वपूर्ण और टीचर्स के स्ट्रेंथ, स्टूडेंट के स्ट्रेंथ, लैब फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी मामलों में BIT सिंदरी का सबसे बड़ा ब्रांच है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स अभी की देश के किसी भी प्रतिष्ठित रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, इसरो हो, चाहे फिर DRDO हो,
या फिर बार्क हो, इस तरह के चाहे CSIR के कोई भी लैब्स में, चाहे वो ONGC हो, इंडियन ऑयल हो, सेल हो, कोल इंडिया हो, इसमें ऊपर के पदों पे हमारे ब्रांच के छात्र वो मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में हम छात्रों को मैन्युफैक्चरिंग की जो भिन्न भिन्न शाखाएँ हैं, जैसे कास्टिंग है, फाउंड्री है, आपका सीट मेटल है, मशीनिंग है, वेल्डिंग है, कारपेंट्री है, इन सभी के बारे में सिखाते हैं। बाद में जब वो फैक्ट्रीज में जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ उन्हें अपने कार्यों को करने में सहयोग मिलता है। इस संस्थान के भीतर प्रत्येक विभाग ज्ञान और नवाचार के एक स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो अच्छी तरह से संबंध प्रयोगशालाओं और अत्याधुनिक मशीनरी से सुसज्जित है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गतिशील दुनिया से लेकर खनन के संसाधन पूर्ण क्षेत्र तक, उत्पादन की सटीकता से लेकर सिविल इंजीनियरिंग की जटिलताओं तक, हर एक विभाग उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये हमारा डिपार्टमेंट 1975 में एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद हम लोगों ने माइनिंग इंजीनियरिंग BTech से शुरू किया। अभी हमारे जो डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ है, 60 से ज़्यादा बच्चे जो है इंजीनियरिंग पर ईयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अपना सर्विस दे रहे हैं। हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट हमें बहुत तरह की सहायता करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल टूल ले जाने में, वोकेशनल ट्रेनिंग करने में और तरह तरह के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने में, जो हमें आगे चल के सहायता कर सकता है हमारे माइनिंग इंजीनियर के करियर में। यहाँ के गलियारे उन प्रोफेसर के कदमों से गूंजते हैं, जो न केवल शिक्षक बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित प्रयोगशालाएं केवल भौतिक स्थान ही नहीं, बल्कि प्रयोग और अन्वेषण की भी भट्टी है। तरह तरह के वाइब्रेशन स्टडी करते हैं, फ्रॉम बेसिक UG लेवल टू रिसर्च लेवल। ये हमारा मशीन जो है फॉल्ट सिमुलेशन है, इसमें हमारा क्या रोटेटिंग, जितने तरह की मशीन रोटेटिंग होती है उसमें जितने तरह का फॉल्ट होता है, लाइक द बियरिंग कहीं टूट गया, बहुत बड़े मशीन आप जाते हैं, हेलीकॉप्टर हो गया, कोई भी टर्बाइंस है, कहीं पे क्या टूट गया है, कहीं कुछ ब्रोकन है, तो इसके थ्रू हम फॉल्ट सिमुलेशन के थ्रू हम उसका पता करते हैं। ये एक ट्रेनर मशीन है, मतलब इसके हम बच्चों को ट्रेन करते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या टूटा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल लैब एक इंटरडिसिप्लिनरी लैब है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दोनों के लिए। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स एंड ड्राइव्स एंड मोटर्स जो कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस को स्टडी किया जाता है, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रीज में जाकर इम्प्लीमेंट हो सके। मैकेनिकल विभाग में गियर घूमते हैं और प्रोटोटाइप आकार लेते हैं। खनन विभाग में अयस्कों का अध्ययन और खनिजों का पता लगाया जाता है। उत्पादन में विचार मूर्त उत्पादों में विकसित होते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में ब्लूप्रिंट विस्मयकारी संरचनाएं बन जाते हैं। हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में BTech, MTech में दो स्पेशलाइजेशन, जियोटेक एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है। इसमें हमारा रिसर्च PhD का कोर्स भी हमारे यहाँ अभी चल रहा है। संस्थान में मौजूद धातुकर्म और रसायन विभाग सिद्धांत और व्यवहारिक अनुप्रयोग के सही मिश्रण के साथ साथ छात्रों को कुशल पेशेवरों में ढालते हैं। इन विभागों का नेतृत्व करने वाले शिक्षकों का मार्गदर्शन छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाता है और उन्हें धातु विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। इस विभाग में धातु से संबंधित जितनी टेक्नोलॉजी है, सभी टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आयरन ओर या कोई भी ओर से लेकर उसका ट्रीटमेंट करके हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट इस्तेमाल के बाद जब फेल्योर होता है उसका, तो उसका पुनः इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। मतलब मटेरियल का जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक और उसके बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना धातु अवेदन विभाग का ही कर्तव्य है।
I was offered an internship in Tata Steel through Inspire Program 2023. There I had a great experience. I was allotted a topic, an industrial problem statement, for which I had to give some recommendations or solutions. हमारा जो स्टूडेंट है वो 90% स्टूडेंट प्लेस हुआ था लास्ट ईयर, और अभी हमने वी हैव फिनिश्ड जस्ट 4 प्रोजेक्ट अराउंड ऑफ 52 लैक्स। इन ए करंट ईयर वी हैव 1 प्रोजेक्ट एंड स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज GST एंड आवर वन फैकल्टी मेंबर इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसके केंद्र में स्थित है सीमेंस लैब। यह उन्नत प्रौद्योगिकी का वह खजाना है जो भविष्य के कई दरवाजे खोलता है। इसके साथ साथ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन लैब और IT विभाग त्रिमूर्ति को पूरा करते हैं, जहां छात्रों को एक्सपोजर और ज्ञान की एक व्यापक आवरण प्रदान की जा रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं का यह समूह एक ऐसा पुल है जो सिद्धांत को अनुप्रयोग से और कक्षा को उद्योग से जोड़ता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेंटर में वी आर रनिंग COE सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फ्रॉम सीमेंस, एंड देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 9,000 स्टूडेंट्स हैव गॉट डिग्री एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर ओन लाइफ ऑल्सो। अभी अमेजॉन में भी एक लड़की अभी इंटर्नशिप में थी, और भी अभी रिसेंटली एक बच्चा ने 50,000 का भी पैकेज का भी जॉब ऑफर हुआ था IT डिपार्टमेंट से। This is our IoT lab, which functions for the perspective of students' welfare. And basically, what we do in the lab, it has many components. We have TIVA-C, which is a kit with which we perform different types of experiments. We have actuator, launching pad, as well as the Wi-Fi connectivity module over here. It is there for the students' benefit welfare so that we can implement it at a wider aspect. Even in the smart cities, smart house, everything connectivity comes under this IoT broad perspective. शिक्षा प्रदान करने का सफर वाकई काफी महत्वपूर्ण है, किंतु यह भी जरूरी है कि इस ज्ञान का सही दिशा में उपयोग हो। यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ करियर विकास केंद्र की स्थापना हुई है। यह केंद्र सूचना, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को समग्र रूप से योग्य और बेहतर संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए तैयार करना है। कि 2020 एंड 21, इस दौरान हम लोगों ने वर्ल्ड की जितनी बेहतरीन कंपनी थी उनको इनवाइट किया, और हमारा नंबर जो है वो 450 के आसपास गया। फिर 2021 और 22 में हम लोगों ने अपना ही जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब कि उस समय जो है मल्टीपल, अगर हम जॉब की बात करें, जॉब ऑफर्ड की बात करें, तो ये जो है लगभग 900 के पास चला गया, और वन स्टूडेंट वन जॉब की बात करें तो ये संख्या जो है 610 के आसपास चली आई। इंटर्नशिप का मतलब है हैंडसम रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस। मतलब कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है, इंडस्ट्री में जो रिसर्च चल रहा है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहाँ स्टूडेंट्स जो है हमारे डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट करते हैं और उनके प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं। और एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद द लॉट्स ऑफ रोल हेयर टू पुश द प्लेसमेंट ऑफर फॉर दिस सेशन। एंड हमारे जो सीनियर्स रहे थे उन्होंने अपने हिसाब से एक बहुत ही ऊंचा स्तर हमारे लिए सेट किया है, जिसके हिसाब से हमें उस अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार भी हम उस लेवल को, उस लेवल से ऊपर जाए, और जो इस बार का 1,000 प्लेसमेंट ऑफर है हम उससे और भी ऊपर जाए। Recently, I went for the MyTechs Global Link Research Internship at Canada.
मेरा जो इंटर्नशिप था वो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में था एंड इट वॉज बेस्ड ऑन कंट्रोल थ्योरी. सो इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म देयर एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा इट वॉज़ अ चेंज ऑफ एवरीथिंग द कंट्री द एटमोसफियर एंड इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस लर्निंग देयर विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसिस एंड वॉट एवर दे नो. I participated in Vedanta ESL Hackathon, which was actually organized by Vedanta ESL in Bokaro. It was a very great experience over there. We actually stood amongst the top three, getting the prizes and all. And it was a very good experience over there. We got industrial exposure, which was actually very necessary. And इस दौरान हमारे BIT सिंदरी ने हमें बहुत help किया. कॉलेज में शीर्ष स्तर की सुविधाएं हैं, जिसमें मल्टीमीडिया सभागार, सेमिनार कक्ष, उत्तम सुविधाओं से परिपूर्ण पुस्तकालय और आधुनिक प्रयोगशालाएं शामिल हैं। बीआईटी सिंदरी सेंट्रल लाइब्रेरी, यहां पे हमारा 2 लाख बुक्स अबाउट है, जिसमें हमारा रेफरेंस सेक्शंस है, बुक्स बैंक्स है, डिजिटल लाइब्रेरी है और हम लोग के पास 7 जनरल्स है, जिसमें वेब ऑफ साइंस अनलिमिटेड जनरल्स है. कॉलेज की लाइब्रेरी है जहाँ पे वी हैव आई थिंक 1 लाख बुक्स, जहाँ एवरी स्टूडेंट्स कम हियर टू जस्ट स्टडी एंड पीपल आर जस्ट फाइंडिंग देयर सॉल्यूशंस एंड ऑल, लाइक जब दे व्हेन दे आर बोर्ड दे आर कम हियर फॉर देयर प्लेजर फन एंड फॉर स्टडी. वर्ष 1957 में स्थापित इस भूविज्ञान संग्रहालय की स्थापना पृथ्वी के तह में छिपे खनिज पदार्थ के संशोधन हेतु किया गया था. इस संग्रहालय में 2500 से अधिक चट्टानों और खनिजों का एक प्रभावशाली संग्रह मौजूद है, जिसमें दुनिया के विभिन्न कोनों से संग्रहित किए गए लगभग 500 नमूने शामिल हैं. साथ ही यहाँ जीवाश्म संग्रह, कोयले के नमूने और क्रिस्टल मॉडल भी रखे गए हैं. हरे भरे जंगलों के बीच स्थित बीआईटी सिंदरी का परिसर प्राकृतिक सुंदरता का जीता जागता उदाहरण है. हरे रंग की जीवंत छटाओं से सजा हुआ विशाल परिदृश्य हलचल भरे शैक्षणिक जीवन को एक शांत पृष्ठभूमि प्रदान करता है. यह पूरी तरह से आवासीय संस्थान है. यहाँ के छात्रावास छात्रों को घर जैसा माहौल प्रदान करते हैं, जहाँ शिक्षकों की देखरेख में उनके पढ़ाई लिखाई, आराम और कल्याण को सुनिश्चित किया जाता है. यह कंप्लीट रूप से रेजिडेंशियल कॉलेज है. छात्र और छात्राओं दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स, वर्तमान में करीब 30 हॉस्टल्स हैं, जिसमें एक पीजी के लिए है, बाकी सभी यूजी के लिए है. सुविधा के लिए वार्ड सेविकाएं हैं और लड़कों के छात्रावास में वार्ड सेवक हैं. साथ ही इनके पूरे देखभाल के लिए प्रत्येक छात्रावास के लिए एक छात्रावास अधीक्षक. और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की कि एक फादरली बिहेव है. यदि लड़के कभी या लड़कियाँ कभी भी बीमार पड़ गई, उस अवस्था में हमारे जो छात्रावास अधीक्षक हैं वे कंप्लीट रूप से वो तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि उनके अभिभावक नहीं आ जाते हैं. Here I get to experience a new culture and traditional, as India is well known for its culture, diverse culture and traditions. Second thing about the college facilities are good, and I really like the food out here, as we get different food items every time, not really every time, like every meal. It's a box of flavors, which is very different from what I have been eating out in my country. And the third thing is I really like the people out here are very friendly. I met a lot of good people. They are very contentful, joyful, expressive, and they really like dancing, and they are very entertaining. स्वास्थ्य के सर्वोपरि महत्व को पहचानते हुए संस्थान ने चिकित्सा सुविधाओं पर खास ध्यान दिया है. यहाँ मौजूद स्वास्थ्य केंद्र में छात्रों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं,
उन लोगों को हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और चूँकि हम लोग यहीं रहते हैं, कैंपस में ही रहते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को 24 आवर्स फैसिलिटी मिल जाता है। उन लोग को कोई भी रिक्वायरमेंट हो फोन करता है, हम लोग उसको ये करते हैं। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों से परे बीआईटी सिंदरी के छात्र सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना से काफी ओतप्रोत है। समाज कल्याण की भावना से प्रेरित यहाँ के समर्पित छात्रों ने प्रयास इंडिया नामक एक एनजीओ की स्थापना की है। सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी सामूहिक इच्छा से जन्मा यह संगठन आसपास के गांवों में रहने वाले बच्चों तक निशुल्क शिक्षा की ज्योति फैलाता है। हमारे प्रयास के छात्रों ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। जैसे करीब 30 से अधिक बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर चुके हैं और 20 लगभग जो बीआईटी में के छात्र हैं। और उनमें से बहुत सारे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से सच में बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें प्रयास इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर भी किया जाता है। 80 के दशक में गठित यहाँ का स्पोर्ट्स क्लब विरासत और उत्कृष्टता का एक स्थायी प्रतीक है। छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध यह क्लब शारीरिक विकास को प्राथमिकता देता है और उनकी दैनिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में कई सह पाठचर्या संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। स्टूडेंट्स है वो आगे आगे आके पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्किल्स को दिखाते हैं। इसके बाद वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग जैसे बाहर भी जाते हैं तो वो टीम जो अच्छा परफॉर्म किया कॉलेज में उसे हम लोग बाहर लेके जाते हैं। इससे होता क्या कि अभी जो रिसेंट टीम्स हम लोग के जो बाहर परफॉर्म करने गए, वॉलीबॉल के टीम्स जो ISM गए, जो पराक्रम अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ जो मार्च में, उसमें BIT सिंधी विनर थे। तो इससे यहाँ से ये पता चलता है कि हम लोग के जो स्पोर्ट्स क्लब है वो स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट में किस तरह से हेल्पफुल है। BIT कल्चरल सोसाइटी प्रतिष्ठान की विशिष्ट सोसाइटियों में से एक है जो विशेष रूप से झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करता है। BIT कल्चरल सोसाइटी की स्थापना 2009 में प्रोफेसर अजय उराव और कुछ आदिवासी छात्रों के द्वारा एक पहल के रूप में की गई थी। Actually, in this society, we reinforce and develop the confidence of the tribal students, those who are lacking in this field. And rather than that, we also celebrate the tribal festivals like Sarhul festivals, Karma festivals. And in the festivals, we use the instruments like this known as a dhol, and we use the nagaras. Indian Society of Technical Education राष्ट्रीय स्तर पर संबद्ध है। यह छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा दे रही है। यह संगठन आधुनिक प्रतिस्पर्धी युग में प्रभावी आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है। SOIC stands for Indian Society of Technical Education. SOIC is a student chapter which is nationally recognized and affiliated with IST New Delhi. Inside IST we have the various motto such as the technical and managerial development of our IST members. So we have various events conducted by IST such as the Smart City Challenge, our annual Tech Fest is Triveni. Inside Triveni, we conduct various Tech Fests like Exhibito, TechnoShot, Accelerate and MIB. SAE, उभरती प्रतिभाओं को जमीन पर चलने वाले वाहनों को डिजाइन करके विकसित करने के साथ साथ निर्माण और परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। हमारे कॉलेज का ये एक मात्र क्लब है जो ऑटोमोबाइल्स में डील करता है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स बनाते हैं और वो उन व्हीकल्स को हम लोग रेस के लिए वहाँ जो भी हम लोग को एरिया मिलता है वहाँ लेके जाते हैं। बेसिकली हम लोग 3-4 इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बाहा एक हुआ, सुपरा हुआ, अभी हम लोग एरो मॉडलिंग कॉम्पिटिशन भी हम लोग फेस कर रहे हैं। BIT सिंदरी का सांस्कृतिक विभाग शानदार प्रतिभाओं से भरा हुआ है एवं एक जीवंत शहर के समान है। इसके दायरे में संगीत, नृत्य और रंगमंच की एक मनोरम दुनिया जीवंत हो उठती है जो मंच पर हर कदम के साथ दिल और दिमाग को मंत्रमुग्ध कर देती है। Till now we have a lot of achievements. हमने लास्ट मंथ ही NIT जमशेदपुर कल्ट फेस्ट में हमारी कोरियो टीम ने फर्स्ट पोजीशन ग्रैब किया एंड फेबरवरी 2023 में हमारी नुक्कड़ टीम IIT ISM सीजन में सेकंड पोजीशन ग्रैब की है
ऑनलाइन में भी हमारा बहुत सारा अचीवमेंट्स रह चुका है पहले, और आई कैन से दैट वी हैव ऑल टुगेदर 120 मेंबर्स एंड सभी मेंबर्स एक अलग टैलेंट के साथ यहाँ पे हैं। बीआईटी सिंदरी के छात्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को बेहतरीन रूप से दर्शाते हैं। प्रतिभा के धनी इन छात्रों ने विभिन्न मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, फिर चाहे वह राजकीय मंच हो या राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में अपने कौशल का प्रदर्शन करना हो। I got the opportunity to do my pre-placement internship at Tata Steel, which was a great opportunity to me. I learned a lot of things related to industry and how the industry works properly, how the managements are done. And after that, the results are not announced yet. But if the results come, and hopefully I'm thinking for the positive response from them. So after that, then I'll be inducted over there as MTT, which is Management Technical Trainee. Why do I prefer BIT? यार कितने सारे reasons है BIT prefer करने के। सबसे पहला चीज़ एक girls के लिए, boys के लिए भी बहुत minimal, इतना minimal fees किसी के लिए नहीं होता, और girls के लिए तो यूँ समझ लो 32 rupees क्या है, कुछ नहीं है। तो 32 rupees के लिए आई थिंक एक तरह से फ्री में ही गर्ल्स के लिए है, तो मिनिमल कॉस्ट पे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। हम लोग किसी भी दूसरे कॉलेज से कम्पीट करते हैं, हम लोग चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो टेक्निकल हो, हम लोग कहीं पे भी रहता है, हम लोग कहीं पे भी कम्पीट करते हैं। और तो और यहाँ का प्लेसमेंट 100% है, जो कि 100% प्लेसमेंट होना ये तो अलग ही चीज़ है यार। एक तो बच्चों को कॉलेज में आके बच्चों को क्या चीज़ का टेंशन होता है कि प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ होता है। पीछे मुड़कर अगर BIT के सफर पर एक नज़र डाला जाए तो वाकई यह कहा जा सकता है कि यह संस्थान परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में उभरा है, जो युवाओं को क्षितिज से परे सपने देखने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। हर गुजरते साल के साथ जैसे जैसे नई उभरती प्रतिभा कॉलेज में शामिल होते हैं, वो एक ऐसी निर्णायक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जो दशकों से लिखी जाती आ रही है। यह संस्थान और यहाँ से शिक्षित हर छात्र आज इस बात का जीवंत साक्ष्य बन चुके हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और दृढ़ भावना वास्तव में असीमित संभावनाओं वाले भविष्य को खोलने की कुंजी हो सकती है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें ऐसे लीडर्स की, ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो हमारे देश को विकास के पथ पर ले जा सके। ऐसे में 1949 में इस्टेब्लिश हुई BIT सिंदरी का एक बड़ा ही अहम योगदान रहा। ये संस्थान बीते कई वर्षों से न केवल झारखंड में बल्कि देश भर में लोगों के बीच में, खासकर युवाओं के बीच में ज्ञान के दीप का प्रज्वलन करती आ रही है।